हमारे व्यूअर्स, तो आइए आज हम आपको अपने फॉर्म पे विजिट कराते हैं और आपका स्वागत है एचएन सिंह ब्रदर्स एंड सन्स मशरूम्स में। आइए सर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट प्लस है और इसका जो टेन्योर्स है बैग को डाले हुए एसी रूम्स में 40 दिन हो गए हैं। और आपको इससे पहले भी वीडियोस डाल चुका था कि ये मैंने जो कंपोस्ट बनाई है वो जेप्ट मेथड से यानी पाइप विधि से बनाई है। और देखिए कितना अच्छा मशरूम्स का ग्रोथ है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और ये काटो तू चाचा, काटो। देखिए ये क्वालिटीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सर थोड़ा सा दिखाइएगा लाइट्स में। ये हमारे मशरूम्स का क्वालिटी है, देखिए कितना अच्छा से। अभी तुड़ाई 2 दिन से तुड़ाई स्टार्ट है और अभी तक 2 दिन के तुड़ाई में 120 किलो हम लोगों ने 900 बैग में निकाल लिया है मशरूम्स। ये जैसा कि आप देख पा रहे हो एकदम वाइट आ रही है। और सर थोड़ा सा दिखाएंगे, यहाँ पे कहीं कहीं पे मैंने तुड़ाई करा दी है। और देखिए सबसे बड़ा चीज है कि लोग धारणा बना लिए हैं कि पफ पैनल्स में ही होता है। आपके सामने है ये मेरा जो वाल है, नॉर्मल ईटे का वाल है, जो नॉर्मल ब्रिक आता है उसको, और इस पे मैंने प्लास्टर भी नहीं कराया है। और देखिए कहते हैं कि ये गेट लगानी चाहिए। सर वहां थोड़ा दिखाएंगे, वो आयरन का चेस्ट है हमारा, उसमें कोई पफ पैनल्स नहीं लगा हुआ है। बोलते हैं कि हीट लॉस होता है। आज भी हमारे यहाँ पे 8 घंटा लाइट कटता है, लेकिन हाँ 8 घंटे के बीच में मैं 2 घंटे जनरेटर चलाता हूँ, उससे मेरा मैनेज हो जाता है। और टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रहता है। आइए सर देखिए, ये हमारे गांव के हैं, अफरोज चाचा है, जो कि मैंने हम इनको केयर टेकर के एज ए केयर टेकर भी रखे हैं। और ये देखिए तुड़ाई कर रहे हैं। दो तरीके से हम लोग पैकिंग कराते हैं सर, एक तो नॉर्मल पन्नी में पैक कराते हैं और ये रहा पुनेट जो कि हम बाहर बनारस सप्लाई करते हैं इसको। और ये देखिए कितना अच्छा क्वालिटी है और देखिए किस तरह से कटाई होती है। तो जैसा कि देख रहे हैं वो पुनेट्स में काट के डाल रहे हैं हमारे अफरोज जी। और आगे का सेटअप हम आपको दिखाते हैं। देखिए कहीं पे भी वॉल प्लास्टर्ड नहीं है। ऊपर थोड़ा सा सर चढ़ेंगे और देखिए ऊपर में तुड़ाई हो गई है। आज मैंने सुबह में कराई थी बट अभी भी ऊपर में भी मशरूम्स है हमारे। जिप मेथड बहुत ही अच्छा मेथड है मशरूम्स उगाने के लिए। और बहुत लोगों का धारणा होता है कि आप मतलब करें तो जैसे टनल बना के ही करें। आप देख सकते हैं कहीं पे भी मक्खियां नहीं है, इसमें पेस्टराइजेशन भी बहुत अच्छा हुआ है और ग्रोथ तो आप देख ही रहे हैं फर्स्ट फर्स्ट का ऑलमोस्ट। तो किसान भाई देखिए कितना अच्छा मतलब आया है मशरूम, लेकिन इसके पीछे बहुत ही स्ट्रगलिंग लाइफ है, उसको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। मैं केएमएनसी में काम भी करता हूँ और पहले भी करता था, भोपाल से छोड़ के अपने गांव आया हूँ और आज भी हूँ, बट अब उतना फुल टाइम नहीं देता हूँ वर्क को और मैं इसी पे लगा हुआ रहता हूँ। 2 साल मैंने बहुत स्ट्रगल करे हैं और उससे पहले आप लोगों को वीडियोस भी दिया था कि छोटे छोटे एसीज लगा के मैंने करे हैं। बहुत सारा यूट्यूब पे चैनल्स देखा, उसमें उन्होंने बताया कि छोटे एसी को लगा के आप कर सकते हैं लेकिन उसमें बहुत टफ है वो करना। तो मैं 2 साल के बाद 2 साल तक यही सीखते रहा कि कैसे करना है। तो फिर मैंने सोचा चलो हमारे पास एक कमरा पड़ा हुआ है जो कि कंक्रीट का है और उसमें मैंने स्टार्ट करना चालू किया। तो बहुत लोगों ने गलत धारणा बना रखा कि पफ पैनल लगाना है, ये लगाना है, ये नहीं करोगे तो वो हो जाएगा, वो नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। मैं इस पर कोई बहस नहीं करना चाहता, बोलना भी नहीं चाहता हूँ। मैं गरीबों का सपोर्ट करता हूँ और मैं भी गरीबी से ही उठा हूँ, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है शुरू में किसान, मैंने जो किसान भाई बोल गए, और मैं भी एक किसान ही हूँ, मेरा अपना खेती ही एक ये है। हमारे फादर भी किसान थे और इस बीच में इंजीनियरिंग करा और जॉब करा, लेकिन जॉब में मजा नहीं था तो सोचा चलो अपने खेती पे दिखा जाए, लगा जाए। तो यहाँ आया, मशरूम में स्ट्रगल किया। और मैं बताना चाहूंगा कि यूट्यूब से बहुत भतेरन वीडियोज हैं जो कि बताते हैं कि इस तरह से करिए सक्सेसफुल हो जाइएगा,
और उसमें लागत बहुत आते हैं, लेकिन मैं बहुत ही कम लागत में इसको बनाया हूँ। ये जो हमारा ऑलरेडी कंक्रीट का घर था बना हुआ, उसी में मैंने एक कमर्शियल एसी लगाया है। हाँ, कमर्शियल एसी इसका चार्जेस जरूर ज़्यादा है, लेकिन वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। तो मैं इस रिलेटेड बहुत ही जल्दी वीडियोस लाऊंगा यहाँ पे, ताकि हमारे गरीब किसानों को मदद मिल सके और हमारे तरह जो किसान भाई है ना, वो खुल के बाहर आए और उनको सपोर्ट मिले। क्योंकि यहाँ पे आजकल मगरमच्छ बैठे हुए हैं, किसानों में बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं, जैसे हमारे अडानी भाई हुए, जो भी हैं, उनको वो नहीं चाहते हैं कि किसान मतलब आगे आए, लेकिन हम चाहते हैं कि किसान आगे आए और हम आप लोगों को सपोर्ट करेंगे। और जल्दी हम ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग की व्यवस्था करेंगे। हमारे पास व्यवस्था नहीं है अभी रुकने का, इसलिए हम ऑफलाइन ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हम ऑफलाइन ट्रेनिंग भी देंगे और ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देंगे। देखिए कितना अच्छा क्वालिटी है। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, यहाँ पे आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं कि कितना अच्छा मशरूम्स निकला हुआ है। और ये हमारा फर्स्ट प्लस है, जैसा कि हम रिपीट कर रहे हैं। तो किसान भाई, हमारे चैनल से जुड़े रहिए और मशरूम्स रिलेटेड जितने भी इश्यूज, जितने भी कठिनाइयाँ आएंगी, हम आपको हेल्प करेंगे और ट्रेनिंग जल्द से जल्द शुरू करेंगे। बस हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए आप लोग। और यही नहीं, और भी हमारे पास इनोवेटिव खेती हैं जो कि हम बीच बीच में डालते रहेंगे, या फिर ऐसा कुछ छोटा छोटा बिजनेस रहता है जो कि छोटे, जिनके पास कम पैसा है, कम पूंजी है, वो कर सकें, तो उसके लिए मैं वीडियोस लाते रहता हूँ। सब्सक्राइब करें, बोल सब्सक्राइब, और आप लोग हमें सब्सक्राइब और बेल बटन्स को जरूर दबाएं, ताकि हम नया नया वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड करते रहें और इंस्पिरेशनल वीडियोस देते रहें खेती किसानी पे। और जैसे बहुत लोग बताते हैं कि ये दवा यूज करिए, वो दवा यूज करिए, बहुत ज्यादा दवा यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर सही से कंपोस्ट को पेस्चराइजेशन कर दीजिएगा तो बहुत अच्छा है। और टनल मेथड्स क्या, मैं जेप मेथड से इसको बनाया हूँ, पहले भी वीडियोस दे चुका हूँ इस पे, तो आप लोग हमारे प्रीवियस वीडियोस को भी देखिए। जय हिंद, जय भारत।